सर, आज आरक्षण को लेकर जो चौथा दिन चल रहा है, क्या कुछ प्रदेश सरकार की तरफ से आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मैं अभी भी सवाई माधोपुर में हूँ और ये पहली बार हुआ है कि आंदोलन शुरू होते ही 24 घंटे में सरकार का प्रतिनिधि कैबिनेट मिनिस्टर पटरी पे पहुँचा जी और मैंने वार्ता का न्योता दिया है। इस आंदोलन के और पहले आंदोलन के नेता केवल और केवल कर्नल किरोड़ी जी बैसला है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं न्योता देकर आया हूँ, ना तो उनका आई ना उनकी ना आई, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से, गुजर समाज से भी, कर्नल साहब से भी, कि एक तो ये जो रोड जैम जो हो रहे हैं, रोड ब्लॉक्स ना करें। जो हिंसा हुई कल धौलपुर में, ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए दोबारा। और हम सरकार तो इस इंतज़ार में है कब वहाँ से फ़ोन आए, लेकिन फ़ोन हम केवल कर्नल बैसला साहब का ऑथेंटिक मानेंगे जी। क्योंकि उन्होंने ही इसका आह्वान किया और नेतृत्व भी वही कर रहे हैं। सर, बड़ी बात यह है कि वो भी यही कह रहे हैं कि हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं। हमारा काई का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हमारी कार्रवाई चालू है, उन्होंने जो डिमांड, लेकिन हम उस कार्रवाई के लिए साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखिए, कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब तक बैठेंगे नहीं उनके अधिवक्ता भी, हमारे अधिवक्ता सब लोग बैठ करके कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। अपन ऐसे कोई चिट्ठी थोड़ी पकड़ा देंगे साहब कि आपको 5% दिया जाता है इसमें से। इस तरीके से आप ये, आप दो बार स्ट्राइक डाउन हो गया, और अब इस तरीके से होना चाहिए कि ये तीसरी बार स्ट्राइक डाउन नहीं हो, उसकी हमारी प्रयास है, उसमें समय तो लगता है। दो दिन की तो वैसे ही सरकारी छुट्टी थी, आज सोमवार है, असेंबली भी चल रही है, तो इसलिए हम तो, लेकिन वो वार्ता तो शुरुआत तो हो, वार्ता में एक दिन में थोड़ी ख़त्म हो जाएगी वार्ता, और मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ। ये तीसरा दिन है आज मेरा, अभी तक उनकी तरफ से तो कोई आया नहीं, और ना मेरे पास आया, ना पवन साहब के पास आया, किसी के पास फ़ोन नहीं आया। और ऑथेंटिक फ़ोन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑथेंटिक फ़ोन में मैं मानूंगा केवल कर्नल बैसला साहब का। मैं नहीं चाहता कि वो आए कोई वार्ता, किसी वार्ता, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अगर प्रतिनिधि मंडल भी वो भेजेंगे तो हम जब उसको ऑथेंटिक मानेंगे, जब वो खुद हमको फ़ोन करके, वो खुद अपने बोलेंगे।